दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, जिस दिन ट्राई ने डीटीएच में नया कानून लेके आए थे दोस्तों, यस ट्राई का एनटीओ नेशनल टेलीफोन वो बदल के एनटीओ 2.0 हो चुका है, लेकिन उससे भी कुछ ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। डीटीएच के जो बिल है वो पहले से डबल होते हुए दोस्तों नजर आए। लोगों ने डीटीएच देखना ऑलमोस्ट यहाँ पे बहुत कम कर दिया है, ज्यादातर लोग अब यहाँ पे फ्री डिश की तरफ जा रहे हैं, प्रसार भारती की डीडी फ्री डिश या दोस्तों ओटीटी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पे जो डीटीएच कंपनीज है दोस्तों, जो बड़े बड़े प्लेयर से, वो ओटीटी को अपने साथ शामिल कर रहे हैं। एक हाइब्रिड जेस्चर है, हाइब्रिड दोस्तों मसाला बन के आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या डीटीएच सेक्टर को ओटीटी का दोस्तों ये जो चीज है ये बचा पाएगी? क्या ओटीटी से डीटीएच की नया पार लगेगी? उसके बारे में बात करके इस वीडियो में, प्लीज बने रहे इस वीडियो के साथ अंत तक। मैं हूं आपका दोस्त नील शेखावत, आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नो नील। तो फ्रेंड जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि यहाँ पे डीटीएच सेक्टर की हालत खराब हो चुकी है कानून आने के बाद, जो एनटीओ 2.0 हालत खराब होगी। उससे पहले डीटीएच अच्छा चलता था, 200 रुपये दीजिए, 250 रुपये दीजिए और आपको यहाँ पे 100, 150, 200 चैनल मिल जाते थे। तो उसमें सब कलर्स, जी ये वो सब, थोड़े से 50 रुपये ज़्यादा दीजिए, आपको HD वे चैनल मिल जाते थे, जो HD चैनल नए आए थे दोस्तों यहाँ पे। उसके साथ साथ आपको स्पोर्ट्स के चैनल्स, अलग अलग बच्चों के चैनल सब मिल जाते थे, आपको स्पेसिफिक कोई एक एक चैनल लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन दोस्तों फिर आए हमारे ट्राई के चेयरमैन आर एस शर्मा जी, जो अब तो यहाँ पे रिटायर हो चुके हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पे उन्होंने नया कानून लेके आया कि जो चैनल आपको लेना है उसी का पैसा दो। क्यों उन चैनलों का पैसा दें? क्योंकि 200 चैनल आप ले रखते हैं, देखते 30 ही चाहने जाए। उनका कंसेप्ट अच्छा था, सही था कि जितने चैनल देखते उसका पैसा दीजिए, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने बहुत सारी चीज़ें कर दी। स्टार के चैनल लेने तो स्टार से लीजिए, कलर्स के चैनल तो कलर से लीजिए, वायकोम 18 के लेने तो वायकोम 18 से लीजिए, जी से अलग लीजिए, ये सब फंडे कर दिए। उसके साथ साथ फिर NCF नेटवर्क कैपेसिटी फीस लगा दी, प्राइसिंग फिक्स कर दी चैनलों की दोस्तों के 19 रुपए मैक्सिमम, GST के साथ 22 रुपए होते हैं, ये मैक्सिमम रेट है। तो कंपनियों ने क्या ब्रॉडकास्टर्स हैं इनको 19-19 ही कर दिया, मोस्टली जो मेन चैनल है। उसके साथ साथ बुके चालू कर दिए कि एक दो चैनल तो ले ही नहीं सकेंगे, महंगे हैं, तो आपको 8-8, 10-10 चैनल चिपकाना चालू कर दिया। बात वही थी, ऐसे नहीं ऐसे कान पकड़ रहे थे, लेकिन इन शॉर्ट आपके जो DTH के बिल थे, 90% लोगों के DTH बिल यहां पे बढ़ते हुए नजर आए, जो ज्यादा चैनल देखा करते थे। जो बहुत कम देखते थे उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन हकीकत में दोस्तों यहाँ पे रेट बढ़ते हुए नजर आए। लेकिन अब दोस्तों DTH सेक्टर की क्राइसिस तो चल ही रही, लेकिन अब DTH प्लेयर भी थोड़े स्मार्ट बनते नजर आ रहे हैं। अब DTH प्लेयर दोस्तों कर क्या रहे हैं कि वो OTT को अपने पास लेके आ रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने दोस्तों फिलहाल DTH को छोड़ के OTT की तरफ देखना ज़्यादा पसंद किया, क्योंकि ज़्यादातर अभी लोगों के पास ब्रॉडबैंड है, अनलिमिटेड ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, तो OTT चलाना ईजी होता है उनके लिए। स्मार्ट TV सबके पास है तो आराम से OTT चलाते हैं। कुछ लोग दोस्तों जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे वो जा चुके हैं DD फ्री डिश के ऊपर, DD फ्री डिश में कोई पैसा नहीं एक बार डिश लेने के बाद। लेकिन OTT क्या DTH को बचाएगा? इसके लिए दोस्तों मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे ले चलता हूं। तो यहां पे दोस्तों आप देख सकते हैं, कुछ कंपनी के एग्जांपल दूंगा, जैसे कि GTPL दोस्तों, जो मेरा खुद का फाइबर ब्रॉडबैंड है, वो दोस्तों फिलहाल देखेंगे तो यहां पे बेंच वॉच टाइम दोस्तों एक नया तरह का जिनी करके एक ऑप्शन यहां पे लेके आया है, और ये भी दोस्तों अच्छा ऑफर यहाँ पे देता है। इनके देखेंगे वेबसाइट पे जाएंगे तो अनलिमिटेड आपको प्लान देखने को मिलते हैं, सब अनलिमिटेड है यहां पे ऑलमोस्ट, और OTT प्लान आपको दोस्तों यहाँ पे देखने को मिलता है। GTPL का जीनी प्लस दोस्तों ऑप्शन आता है, जहाँ पे आपको सारा का सारा OTT मसाला देखने को मिलता है, बस OTT मसाला। इसके प्लान भी सस्ते हैं दोस्तों, आप अगर देखेंगे तो इनके प्लान जो है बहुत सस्ते हैं। 100 Mbps का प्लान जो उसको मैंने ले रखा दोस्तों यहाँ पे, वो भी आपको बहुत चीप रेट में दोस्तों यहाँ पे मिलता है, देख सकते हैं 280 Mbps का 450 में मिलता है। वैसे दोस्तों आपको 500 रुपये में समथिंग 100 Mbps का प्लान मिलता है, टोटली अनलिमिटेड। तो ये फाइबर के साथ साथ OTT भी दे रहा है, DTH भी दे रहा है, तो DTH के साथ साथ आपको OTT सर्विस मिल रही है यहाँ पे। तो उस तरह से यहाँ टाटा प्ले, जो टाटा स्काई हुआ करता था, टाटा प्ले दोस्तों देखेंगे तो उसके पास भी दोस्तों OTT का सारा मसाला यहाँ पे। टाटा बिंज देख सकते हैं दोस्तों, ये आपको OTT के साथ भी मिलता है। आप यहाँ पे दोस्तों सारी की सारी जो इसकी OTT एप्लीकेशन जो है, इसको एक में ही 14 से ज़्यादा OTT एप्लीकेशन आपको एक में मिलती है, और अब ये बिंज आपको टाटा प्ले के सेट टॉप बॉक्स में, आपको 4K सेट टॉप बॉक्स में मिलता है। वैसा ही दोस्तों कुछ यहाँ पे एयरटेल एक्सट्रीम कर रहा है, एयरटेल एक्सट्रीम का भी 4K बॉक्स है, एंड्रॉइड बॉक्स, उसमें भी आपको OTT मसाला देखने को मिलता है। तो जितनी भी DTH कंपनीज है उनके सबके स्मार्ट बॉक्सेस आ चुके हैं, स्मार्ट बॉक्सेस में आपको OTT चलाना इजी हो जाता है। OTT का मसाला कंपनी आपको यहां पे देना शुरू कर दिया है कंपनियों ने, जिसके चक्कर में क्या होता है कि जो लोग यहां पे DTH को छोड़ के जा रहे थे OTT के लिए, लेकिन अब DTH में OTT मिलेगा, तो ऐसा हो सकता है कि यहां पे धीरे धीरे लोग DTH के साथ बने रहे, क्योंकि OTT का मसाला भी यहां पे मिल रहा है। लेकिन दोस्तों कंपनियों को यह तो करना ही, लेकिन अपने प्राइसिंग को कम रखना पड़ेगा। प्राइसिंग अगर कंपनियां कम करेगी तभी जाके लोग टिकेंगे, अदरवाइज लोग यहां पे फ्री डिश और OTT की तरफ प्योरली जाएंगे, क्योंकि बहुत सस्ता पड़ता है यहां पे। तो फिलहाल दोस्तों अभी DTH सेक्टर जो इसकी क्राइसिस खत्म नहीं हुई है, फिलहाल चल रही है, क्योंकि फिलहाल यहाँ पे फेब्रुअरी से ये सारे के सारे ब्रॉडकास्टर्स रेट बढ़ाने वाले हैं, फिर से प्राइसिंग बढ़ाने वाले हैं, जी कलर से सब के सब।
तो दोस्तों प्राइस तो महंगा होना ही आने वाले टाइम के अंदर, तो सिर्फ एक ही ऑल्टरनेट अगर आपके अच्छा खासा ब्रॉडबैंड है तो आप OTT की तरफ जा सकते हैं। फ्रेंड्स ये कंपनी आपको चीजें तो दे रही, लेकिन इनका जो DTH कनेक्शन है ये आपको फिलहाल महंगा, बहुत महंगा पड़ रहा है। लेकिन OTT के साथ ये चीज थोड़ी अलग हो जाती है, वो देखने वाली चीजें कि लोग यहाँ पे OTT के लिए क्या DTH कनेक्शन लेंगे, क्या लोग प्योरली OTT की तरफ जाएंगे, या दोस्तों सब कुछ छोड़ के लोग फ्री डिश की तरफ जाएंगे। ये आप मुझे बताना दोस्तों, आपको क्या लगता है, फ्यूचर क्या है DTH सेक्टर का, नीचे कमेंट करके बताना। ये वीडियो को अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा और थम्स अप जरूर दे देना। आपके भाई का चैनल है, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, डिफेंस चलेगा। पहली बार हमारे चैनल पर, पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, इस लाल कलर के बटन को जल्दी से दबा के हमारे VIP मेंबर बन जाइए, क्योंकि हम 2 लाख सब्सक्राइबर के पास पहुंच रहे हैं, तो जल्दी से दबा दीजिए। इसके पास देखिएगा घंटी का बटन, उसको भी जरूर दबा देना, उसको दबाने से जब भी मैं नया वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड करूंगा आप देख सकेंगे मेरा नया वीडियो, तो प्लीज घंटी का दबा देना। इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और शेयर तो कर देना, उसके साथ साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करिए, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, ऑलवेज कीप स्माइलिंग।